Hello everyone, before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE non-tech test series, जिसमें आपको maths plus aptitude के more than 30 test papers मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम पढ़ने वाले हैं numerical methods के बारे में. तो ये देखिए, ये आपका last topic होने वाला है. इसके बाद हम second last topic होने वाला है. इसके बाद हम transform theory बस बचा है और ये second last topic हमारा numerical methods है. तो अभी तक आपने majority और syllabus बहुत अच्छे से cover कर लिया होगा. I hope आप अभी तक पूरा videos को sequence wise देखते हुए आए होंगे, सारे के प्रॉपर नोट्स मेंटेन करते हुए आए होंगे, सारे न्यूमेरिकल्स के अप्रोच और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हुए आए होंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए, कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, हम उनको अच्छे से प्रॉपर नोट्स में लिखते हुए आए होंगे. कि जैसे मैं अलग अलग पेन यूज करके पूरा अपना प्रेजेंटेशन को अच्छा रखता हूं, वैसे ही आप अपना नोट्स भी मेंटेन कर रहे होंगे, प्लस आप जितना भी कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे उनको अच्छे से रिवाइज करके न्यूमेरिकल्स भी अटेंड कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे. तो मैं ये होप करता हूं कि आप ये सब करने के बाद आपका डेफिनेटली मैथ्स बहुत ही अच्छा प्रिपेयर हो रहा होगा. तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है न्यूमेरिकल मेथड्स और ट्रांसफॉर्म थ्योरी, इनसे हमको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते हैं. इनका अगर मैं वेटेज के बारे में बात करूं, मतलब कि न्यूमेरिकल मेथड्स के वेटेज के बारे में अगर बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका वेटेज होगा समथिंग 1 से 3 मार्क्स तक मैक्सिमम, 1 से 3 मार्क्स तक, राइट. और अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, तो हम न्यूमेरिकल मेथड्स में ना पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है. तो यहां पे हमको ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को भी डील नहीं करना है, सिंपल से हमको सिर्फ फॉर्मूलाज कुछ मैं लिखवाते जाऊंगा आपको, उस फॉर्मूलाज को आप अच्छे से नोट करते हुए जाएंगे, डायरेक्टली फॉर्मूलाज याद करेंगे हम और सबको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे. तो बस ये छोटा सा टॉपिक है, न्यूमेरिकल मेथड्स कम वेटेज का है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूलाज डिस्कस करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो अगर मैं फर्स्ट टॉपिक बात करूं न्यूमेरिकल मेथड्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहला टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन. ठीक है, तो यहां पे कैच क्या है कि यहां पे ये बात हो रही है नॉन लीनियर की. तो यहां पे जो भी हमको फंक्शंस मिलेगा, जो भी फंक्शन होगा या जो भी एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा, वो नॉन लीनियर ही होना चाहिए. तो अब इस सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उनके बारे में हमको बात करना होगा. तो फर्स्ट मेथड जो होगा वो हमारा वो होगा बाइसेक्शन मेथड. बाइसेक्शन मेथड, ठीक है. सेकेंड मेथड जो होगा वो होगा रेगुलर फॉल्सी मेथड. और फॉल्स पोजीशन मेथड. राइट. थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा हमारा सेकेंड मेथड. फोर्थ होगा न्यूटन राफसन मेथड. ठीक है, तो देखो ये जो न्यूटन राफसन मेथड है, ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. इसको मैं 5 स्टार देता हूं. ठीक है, ये हमारा अबाउट 80-95% मतलब कि आपका जो न्यूमेरिकल मेथड्स है उनमें से 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, और जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से जनरली 80-95% जो क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 1 से 2 मार्क के क्वेश्चन आपके न्यूटन राफसन मेथड से ही आएंगे. तो ये आपका न्यूमेरिकल मेथड्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है. मैं बोल सकता हूं कि 5 स्टार टॉपिक है ये. अगर जो बच्चा 80 न्यूटन, कई बार तो ऐसा भी होता है कि न्यूटन राफसन मेथड बस पढ़ के चले जाते हैं और
जो भी एग्जाम में आता है उसको ही क्रैक कर लेते हैं, क्योंकि न्यूटन रैफसन से ही क्वेश्चन जल्दी है हमको फ्रेम करने को देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपको न्यूटन रैफसन मेथड को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर बाकी मेथड्स भी हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बाहर से आता है तो हमको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। पर हाँ, न्यूटन रैफसन को हम ज्यादा फोकस पे रखेंगे, क्योंकि ये हमारा न्यूमेरिकल मेथड्स का 80-95% डील करता है, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड को मैं बात करता हूं बाइसेक्शन मेथड के बारे में, दैट इज व्हाट सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर एलजेब्रिक इक्वेशन का फर्स्ट मेथड है हमारा बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, तो यहां पे बात कर रहा हूं फर्स्ट मेथड की, बाइसेक्शन मेथड की। राइट, तो बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, देखो अगर मेरे पास एक फंक्शन है fx, ये मेरे पास क्या गिवन है फंक्शन, राइट, यहां पे गिवन लिख देता हूं, मेरे पास गिवन होना चाहिए एक फंक्शन, करेक्ट, फंक्शन मस्ट बी गिवन, और फंक्शन कैसा होगा, नॉन लीनियर होना चाहिए। अब फंक्शन नॉन लीनियर है और x की रेंज भी मुझे गिवन है, मतलब कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a टू b, राइट। अगर मुझे फंक्शन गिवन, नॉन लीनियर फंक्शन गिवन है और रेंज ऑफ x भी गिवन है कि x कहां से कहां वेरी कर रहा है, तब उस केस में क्या होगा, देखो फंक्शन मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फंक्शन इज नथिंग बट इट इज रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स। तो मैं क्या कर सकता हूं, फंक्शन को प्लॉट कर सकता हूं, किसी भी फंक्शन को मैं प्लॉट कर सकता हूं, राइट। तो अगर मैं fx को सपोज प्लॉट करता हूं, राइट, सपोज fx को प्लॉट करता हूं, ठीक है, रैंडमली कोई भी एक फंक्शन लिया, मैं उसको प्लॉट कर दिया, अब आप क्या देख रहे हो कि ये क्या है, fx है, और ये क्या है, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला कि x वेरी कर रहा है a से b तक, मतलब कि ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये क्या है, x इज इक्वल टू a, और फंक्शन कहां से कहां वेरी कर रहा है, x के a से लेके b तक, और ये क्या है, x इज इक्वल टू b, ठीक है। तो मेरे को फंक्शन मिल गया fx और वो फंक्शन वेरी कर रहा है x की a से लेके b तक, ठीक है, तो ये पॉइंट हमको गिवन था। अब अगर मुझे रूट्स के बारे में बात करना है, फंक्शन के रूट्स के बारे में क्या बात करना है, तो रूट्स क्या होगा, ये रूट होगा, एक्चुअल रूट, ठीक है। देखो मैं आपको फंक्शन के कर्व से समझा रहा हूं, पर एक्चुअल में हमको कर्व गिवन नहीं होगा, पर मैं लॉजिक समझा रहा हूं आपको बाइसेक्शन मेथड का, कि बाइसेक्शन मेथड में हम किस लॉजिक से अप्रोच करते हैं, मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर मेरे पास फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक वेरी कर रहा है, और मुझे ग्राफिकली पता चल गया है कि ये रूट है, पर मैथमेटिकली, क्योंकि हमको सॉल्व तो करना है मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली मैं इस रूट तक कैसे पहुंचूंगा वो बात है, कि इस रूट तक कैसे पहुंचूंगा। तो देखो होगा क्या, बाइसेक्शन मेथड में ये बोलता है कि इफ फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू a टू b, देन इफ f ऑफ a इज व्हाट, नेगेटिव, एंड f ऑफ b इज पॉजिटिव, f ऑफ a इज नेगेटिव एंड f ऑफ b इज पॉजिटिव, और मैं क्या लिखूं, बेटर लैंग्वेज में लिखता हूं यहां पे, कि f ऑफ a इंटू प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ a इंटू प्रोडक्ट ऑफ f ऑफ b मस्ट बी लेस देन जीरो। तो ये हमारा जो है ना, ये है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, अगर ऐसा हो रहा है, इफ इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, ये ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि फंक्शन गिवन है, वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन है, और f ऑफ a इंटू f ऑफ b इज लेस देन जीरो, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। कैसे चेक करेंगे हम ये पॉइंट चेक करेंगे, मतलब कि यहां पे चेक करूंगा मैं f ऑफ a कॉमा a, ये पॉइंट हो, सॉरी a कॉमा f ऑफ a होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया a कॉमा f ऑफ a, फर्स्ट न्यूमेरिकल मेथड है इसलिए इसको मैं आराम समझा रहा हूं, बाकी सब में हम
इसी कॉन्सेप्ट से अप्रोच करेंगे आगे। तो इस पॉइंट की वैल्यू भी पता चल गई मुझे और इस पॉइंट की भी वैल्यू पता चल गई एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अब अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है मतलब कि क्या, ये इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेस देन जीरो मींस व्हाट, नेगेटिव होना चाहिए, मतलब कि क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब कि क्या कन्वर्जेंस, ठीक है सॉरी कन्वर्जेंस पॉसिबल है, कन्वर्जेंस पॉसिबल, कन्वर्जेंस पॉसिबल मतलब कि क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब अगर अगर मान लो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो मतलब कि क्या होगा, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब कि डाइवर्जेंस हो जाएगा, मतलब कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। खैर उसको मैं बाद में फिर से डिस्कस करूंगा, पर अभी के लिए मैं बता रहा हूं कि अगर फंक्शन गिवन है, ये गिवन है और इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, देन आई कैन से दैट, देन आई कैन से दैट रूट ऑफ एफ एक्स, रूट ऑफ एफ एक्स लाइज बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स, एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स लाइज बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हमको ये चीज तो पता चल गया कि रूट लाई करेगा। अब होगा क्या, देखो ये पॉजिटिव ये हो गया पॉइंट। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर लिख रहा हूं कि जो रूट को फाइंड करेंगे मतलब कि फर्स्ट इटरेटिव प्रोसेस होगा, इटरेटिव मतलब क्या इस रूट तक पहुंचने का मेथड जो होगा, जो अप्रोच लेंगे हम वो क्या होगा, c इज इक्वल टू ए प्लस बी करता हूं बाय टू, ठीक है c इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू। ये मतलब कि x कहां से कहां लाई कर रहा था, a से b तक लाई कर रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं, रूट फाइंड आउट कैसे कर रहा हूं, एक c निकाल रहा हूं, एक नया कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है a प्लस बी बाय टू। ठीक है, तो अब अगर मान लो लेट a और ये b डिवाइडेड बाय टू किया तो c की वैल्यू सपोज यहां पे आई, ये क्या हो गया x इज इक्वल टू सी। ठीक है, x इज इक्वल टू सी हुआ। अब मैं क्या देखा, जैसे ही मेरे को पता चला कि x इज इक्वल टू सी यहां लाई किया है, मैं कैसे चेक करूंगा, मैं क्या करूंगा यहां पे अब मैं एफ एक्स की वैल्यू देखूंगा, ये हो गया एफ सी। ठीक है, ये पॉइंट हो गया एफ सी। तो जैसे ही मेरे पास सी आएगा ना तो मैं उस सी की वैल्यू को एफ एक्स में डाल के देखूंगा, एक्स की वैल्यू को सी डाल के देखूंगा और देखूंगा कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव आ रहा है, जैसे कि इस केस में लेट एक्स इज इक्वल टू सी इज हियर और यहां पे नेगेटिव आ रहा है, तो मेरा जो नया इंटरवल हो जाएगा ना, नया इंटरवल तो वो यहां से यहां हो जाएगा। तो नया इंटरवल क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स जो होगा वो लाई करेगा सी से पी तक। मान लो अगर पॉजिटिव आ रहा तो, पॉजिटिव आ रहा तो ये हो जाता सी एक्स इज इक्वल टू सी और आपका ये हो जाता एफ सी, तो हमारा नया रूट क्या होता पता है, x इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू ए से c। ठीक है, तो ऐसे करके इंटरवल चेंज होता कि मतलब पहले मैं c निकालता, उसकी वैल्यू को देखता पॉजिटिव है कि नेगेटिव और फिर इंटरवल को मैनिपुलेट करता। ऐसे करने से होता क्या, ऐसे करने से ये होता कि देखो अब क्या हो गया, c और b के बीच लाइक किया, फिर से मैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या करूंगा, फिर से मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वैल्यू जो निकालूंगा, सपोज ये सी वन हो गया तो सी टू निकालूंगा, जो वो क्या हो जाएगा, सपोज इस केस में c प्लस बी बाय टू हो जाएगा, c1 प्लस बी बाय टू, या तो फिर क्या होता है a1 प्लस c1 बाय टू हो जाएगा। तो अब ये सपोज ये वाले केस में यहां से यहां के बीच अब रूट यहां आ गया, अब ये रूट यहां आ गया, फिर दूसरा प्रोसेस लूंगा फिर रूट यहां आ जाएगा, फिर रूट यहां आ जाएगा, और धीरे धीरे करके ना धीरे धीरे करके एग्जैक्ट एक्चुअल रूट हमारे पास आ जाएगा। मतलब कि क्या हुआ, हम इंटरवल को क्लोज करते जा रहे हैं, यहां था इंटरवल यहां से यहां वेरी करता, एक पॉइंट आया, अब इन दोनों के बीच देखें तो इन दोनों के बीच में यहां तक आया गया, फिर यहां से यहां इस रूट में आ गए, मतलब कि एक्चुअल हमको यहां तक पहुंचना है, तो हम धीरे धीरे करके इटरेटिव प्रोसेस से उस रूट तक पहुंच रहे हैं। और उस इटरेटिव रूट तक पहुंचने का मेथड क्या है, हमारा बाइसेक्शन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे हैं, राइट। और क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेक करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर से इंटरवल को मैनिपुलेट करते जाएंगे। जब हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे
तो हम इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो अगर मैं एक बार फिर से रिकॉल करूं, गिवन रहेगा हमारे पास नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन, गिवन रहेगा x की इंटरवल्स किस इंटरवल में लाई कर रहा है x, वो गिवन रहेगा। हमको चेक करना होगा कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जैसे सेटिस्फाई होगा तो हमको पता चल जाएगा कि कन्वर्जेंस पॉसिबल है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और जैसे ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि क्या, एटलीस्ट वन रूट जो है वो लाई करेगा इन इंटरवल के बीच में लाई करेगा। और हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली c इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2 के बारे में 2 करके निकाल लेंगे। और हमको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कितने इटरेटिव प्रोसेस तक हमको जाना है, मतलब अगर दो बार बोला जाएगा तो दो बार मैं करूंगा, एक बार यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ठीक है। और देखो अब क्या है कि ये जो न्यूमेरिकल मेथड्स है, ये पूरा न्यूमेरिकल मेथड्स क्या है, अप्रोक्सीमेशन मेथड्स है। मतलब कि मैं धीरे धीरे करके सॉल्यूशन तक पहुंच रहा हूं, एक्चुअल रूट की तरफ एग्जैक्टली तुरंत नहीं पहुंच रहा हूं। मतलब कि जो भी मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, अप्रोक्सीमेशन रिजल्ट है, अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है। तो मेरे पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो एरर तो आएगा ही। क्योंकि अगर मान लो कि मैं दो प्रोसेस किया, जैसे यहां पे मैं a प्लस बी, यहां पे c किया, अब मैं इसी को एक इटरेटिव प्रोसेस में c x इक्वल टू c a आया, पर यहां से यहां तक रूट तो एक्चुअल रूट तो यहां था। अब इन दोनों के बीच जो गैप होगा वो क्या होगा, वो गैप होगा मेरा एरर, वो गैप होगा मेरा एरर। तो अब उस केस में कुछ ना कुछ एरर आएगा, तो इस एरर को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इटरेटिव प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि जितना मैं इटरेटिव प्रोसेस करूं, मतलब जितने बार मैं इंटरवल को मैनिपुलेट करके c = a + b / 2 करते जाऊं, उतने बार मैं रूट के क्लोज आते जाऊंगा, और जितना क्लोज में पहुंचते जाऊंगा उतना ही क्या होगा, हमारा इंटरवल कम होता जाएगा और रूट के क्लोजनेस आने से एरर भी कम होता जाएगा, राइट। तो अगर मैं से पूछा जाए, लेट जीटा, ठीक है, लेट जीटा बी द एरर स्लैश एक्यूरेसी, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में मैं बोला कि कुछ ना कुछ एरर आएगा, और उस एरर को एलिमिनेट करने के लिए हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं फाइंड आउट करूं कितने नंबर ऑफ इटरेशन करना है, तो मेरा क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए b माइनस ए टू द पावर 2 टू द पावर n should be less than equal to zeta, ठीक है। zeta is what, error or accuracy, ये condition satisfy होना चाहिए। अब यहां से अगर मेरे को n find out करना है, n find out करना है, और यहां पे n क्या है, देखो minimum number of iterations to acquire accuracy of zeta, ठीक है। तो zeta की accuracy find out करनी है, तो अगर देखो यहां पे log ले रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, b minus a to the power zeta should be less than equal to 2 to the power n, this implies log of, ठीक है, इसको ln कर दो, ठीक है, ये तो ये किसके इक्वल हो, ग्रेटर, राइट। सो n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ln, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, ln n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ln b माइनस a बाय जीटा अपॉन ln 2, ठीक है। तो यहां से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि कितनी कितने नंबर ऑफ टाइम्स इटरेशंस लेना पड़ेगा ताकि स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी या एरर देखने को मिले हमको बाइसेक्शन मेथड में, राइट। तो यहां पे हमने सारा कुछ डिस्कस किया, ये फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल मेथड का, मतलब कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन एल्जेब्रिक इक्वेशन का फर्स्ट मेथड था, इसलिए मैंने इसको समझाने में अच्छा प्लेंटी ऑफ टाइम लिया, ताकि आपको इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी से आप थोड़ा सा रूबरू हो जाए, प्लस आप फंक्शन जैसे गिवन हो, इंटरवल कैसे गिवन हो, तो हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में, उसको मैं ग्राफिकली भी डिनोट किया आपको कि देखो अप्रोक्सीमेटली हम कैसे रूट्स की तरफ पहुंचते हैं इन बाइसेक्शन मेथड, वैसे ही हम दूसरे मेथड्स में भी ग्राफिकली पहुंचेंगे, पर उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट था इसलिए मैंने इसको ज्यादा समझाने में टाइम लिया। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्म, तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके बोर्ड में दिख रहे होंगे, ये
इटरेटिव मेथड का, नंबर ऑफ इटरेशंस का और ये एरर का, ठीक है। तो ये दोनों को ही हमको याद रखना है, मेन ये चीज हो गया। अगर मैं एक और पॉइंट के बारे में बात करूं इन केस ऑफ बाइसेक्शन मेथड, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बाइसेक्शन मेथड इज मतलब कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज स्लो, ठीक है, मतलब कि ऑर्डर दैट इज वन, दैट इज वन। तो मतलब कि बाइसेक्शन मेथड के केस में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, वन होता है, मतलब कि क्या ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसलिए देखो यहां पे धीरे धीरे करके हम सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं ना, यहां ऐसे इंटरवल को कम करते करते एक्चुअल रूट में पहुंचेंगे, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इसका स्लो होता है, यही इसका ड्रॉबैक है। बाकी हम कॉन्सेप्ट जान चुके हैं, अब चलते हैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स की और बाइसेक्शन मेथड के रिलेटेड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारे सामने बाइसेक्शन मेथड का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, दो क्वेश्चन ही काफी है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। कॉन्सेप्ट हमको सबको पता है, पर अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। देखो, यूजिंग बाइसेक्शन मेथड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की मतलब की बात हो रही है, जीरो के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। देखो क्या कि अगर आपके पास फंक्शन जो है इस फॉर्म का है, ठीक है, तो अगर px by qx के फॉर्म का है, तो अगर मैं इसको जीरो पुट करता हूं तो ये चीज हमें क्या देता है, वैल्यू ऑफ x क्या देता है, पोल। और अगर मैं इसको जीरो पुट करता हूं न्यूमरेटर को, तो ये क्या देता है, जीरो देता है, राइट, इसको जीरो। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस केस में हमारा फंक्शन ये जो है पूरा ये किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। मतलब कि क्या, अगर मेरे को बस फंक्शन को मैं इक्वेट कर दूं इक्वल टू जीरो के, तो इस फंक्शन का सॉल्यूशन मतलब कि वो वैल्यू एक्स की जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है, वो फाइंड आउट करना है हमको। सिंपल सी बात है, वो वैल्यू एक्स की जहां पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है। तो मैंने आपको ग्राफिकली भी बता दिया था ये पॉइंट को, देखा था आपने कि जहां पे एक्स फंक्शन की वैल्यू एक्स एक्सिस को कट कर रही थी, वो वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं देख रहा हूं पहला चीज क्या करना पड़ेगा, फंक्शन में कोई नॉन लीनियर गिवन है, ठीक है, तो अगर मैं देख रहा हूं यहां पे फंक्शन की पहले लिख देता हूं यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर, राइट, ये चीज है। इंटरवल भी गिवन है, देखिए मैंने बोला था आपको इंटरवल भी गिवन रहेगा 1 to 9, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को चेक करना है। मतलब कि क्या, अगर मैं इसमें इस केस में a क्या है, 1 है, b क्या है, 9 है, तो f ऑफ 1 अगर चेक कर रहा हूं तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 5 इज लेस देन 0, ठीक है, तो f ऑफ a इज लेस देन 0 यहां पे आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। और अगर f ऑफ 9 चेक कर रहा हूं तो 9 टू द पावर 4 माइनस 9 क्यूब माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4, तो ये डेफिनेटली इक्वल टू 0 आएगा, दैट इज f ऑफ b इज ग्रेटर देन 0। तो मतलब कि क्या, f ऑफ a डॉट f ऑफ b इज लेस देन 0, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। मतलब कि क्या, सॉल्यूशन कन्वर्ज करेगा इस दोनों इंटरवल के बीच में, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में कन्वर्ज जरूर करेगा, मतलब कि क्या, सॉल्यूशन एक्सिस्ट कर रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, इटरेशन मेथड सॉल्व करना है। ए और बी गिवन है, तो ए प्लस बी बाई टू एक्स वन क्या होगा, 1 प्लस 9 बाई टू दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है, 5। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट प्रोसेस, इटरेशन प्रोसेस रूट के करीब आने का, ठीक है, तो एक्स वन आ गया 5। तो अब मैं क्या चेक कर रहा हूं, 5 की इस x इज इक्वल टू 5 पे f फंक्शन की वैल्यू क्या है, चेक कर रहा हूं, फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूं मैं, तो 5 टू द पावर 4 माइनस 5 टू द पावर 3 माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसको अगर चेक करूं तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि ये पॉजिटिव आना चाहिए, तो फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 5 टू द पावर 4 माइनस 5 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 4, ठीक है, तो 471 आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग के पास नया इंटरवल क्या हो गया, अगर इंटरवल लिखूंगा नया मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 जो होगा, नया जो x2 होगा वो लाई करेगा कहां से कहां तक, 1 से लेके
फाइव तक, ठीक है। एक्स टू जो होगा, एक्स वन निकाल लिए, एक्स वन किसको रिप्लेस किया, नाइन को रिप्लेस किया। अब मैं बोल रहा हूं कि एक्स टू जो नेक्स्ट इटरेटिव मेथड का जो रूट होगा वो कहां से कहां लाइक करेगा, वन से बीच के, वन के और फाइव के बीच में। तो मैं निकालू अगर एक्स टू को, तो एक्स टू कितना होने वाला है, वन प्लस फाइव बाई टू दैट इज इक्वल टू थ्री, ठीक है, थ्री आ गया। तो थ्री आ गया तो मेरे को थ्री के ऊपर चेक करना पड़ेगा, थ्री के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है इसकी फंक्शन की, तो थ्री टू द पावर थ्री क्यू एंड दिस वॉज थ्री टू द पावर फोर माइनस फोर। तो ये भी मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो ये 41 दैट इज पॉजिटिव। तो फंक्शन की वैल्यू इस पे भी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो f ऑफ 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो अब क्या होगा, x3 जो होगा वो बिलोंग करेगा 1 से 3 के बीच में, और x3 का अगर मैं वैल्यू बताऊं तो वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी बाई टू दैट इज वॉट 1 प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच 2, ठीक है 2 लिखता हूं। तो अगर मैं 2 की वैल्यू चेक कर रहा हूं, ये 2 क्या हो गया, 2 टू द पावर 4 माइनस 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, तो ये 0 आ रहा है। देखो यहां पे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि क्या हो गया, इस बार हमको बाइसेक्शन मेथड से एग्जैक्ट रूट मिल गया, ठीक है, एग्जैक्ट रूट मिल गया है। यहां पे मैं अगर देख रहा हूं तो यहां पे एग्जैक्ट रूट मिल गया है, एग्जैक्ट रूट, ठीक है एग्जैक्ट रूट। और कितने इटरेशन के पास निकला है, 3, ठीक है, तो 1, 2 एंड 3। तो 3 इटरेटिव प्रोसेस के बाद हमारे पास 3 नंबर ऑफ इटरेशन लगे हमको क्या करने के लिए, 0 ऑफ पॉलिनोमियल तक पहुंचने के लिए। मतलब ये क्या, x इज इक्वल टू 2 इज द 0 ऑफ फंक्शन x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो ये था आपका बाइसेक्शन मेथड का प्रोसेस, कैसे मैंने इंटरवल को भी अरेंज करते गया कॉन्सेप्ट से, मतलब कितने इटरेटिव प्रोसेस से मैं निकालते गया। देखो अगर मैं यहीं तक रुक जाता, x टू तक आके रुक जाता तो मेरे पास एरर आता, एरर कैसे आता, 3 आता, एक्चुअल रूट 2 है और मेरा रूट कितना था, 3 आता, ठीक है। तो यहां पे एरर दिख रहा था मुझे, पर जैसे जैसे मैं इटरेशंस को बढ़ाते गया वैसे वैसे मैं रूट के पास पहुंचते गया, और इस क्वेश्चन में तो बकायदा पूरा रूट ही निकाल दिया, ठीक है। तो मेरे पास कितने इटरेशन लगे, 3। तो यहां पे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन डन होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको एरर के बारे में बताया था उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं इस सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पे सब कुछ गिवन है, आपको नंबर ऑफ इटरेशंस निकालना है कि उतना एक्यूरेसी आए। तो मैं बात कर रहा हूं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज गिवन, फंक्शन गिवन, फंक्शन इज गिवन एक्स टू द पावर 6 एक्स माइनस 1, ठीक है। इंटरवल क्या गिवन है, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, राइट, ये भी गिवन है। और मुझे क्या बोला जा रहा है, बाइसेक्शन मेथड यूज करो, फाइंड करो नंबर ऑफ इटरेशन सच दैट एक्यूरेसी जीटा इज इक्वल टू 0.01, जीटा इज इक्वल टू 0.001, ये गिवन है ना, हाँ। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू log b माइनस a बाय जीटा अपॉन ln 2, ठीक है, log नहीं ln, तो n मस्ट बी इक्वल टू ln 1 माइनस 0 बाय 0.001 अपॉन ln 2। मतलब क्या, ln मस्ट बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन ln 2, ठीक है, 1000, ln 1000 हो जाएगा, तो ln 1000 इज व्हाट, 3, तो 3 बाय ln 2, मतलब ये क्या, ये कुछ आपका ln n मस्ट बी ग्रेटर 9.96 आएगा, दिस इंप्लाइज n मस्ट बी इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन। तो यहां पे n की वैल्यू क्या आ गई, नंबर कितने इटरेशंस लगेंगे हमको एक्यूरेसी 0.001 के लिए, 10 इटरेशंस लगेंगे, राइट। तो यहां पे मेरे पास 10 इटरेशंस लग रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे सेकंड क्वेश्चन भी हमारा डन होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया मैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप क्या याद करोगे, बी माइनस ए टू टू द पावर एन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीटा, बस। अब इसमें क्या करना, लॉग ले लेना, हो जाएगा याद। तो बस
ये दो टाइप के क्वेश्चन हमको देखे जाते हैं बाइसेक्शन मेथड में, राइट। तो दोनों क्वेश्चन की वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट डील कर लिया। तो यहां पे आपका सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर एलजेब्रिक इक्वेशन का फर्स्ट मेथड कंप्लीट होता है, जो कि है बाइसेक्शन मेथड। अब मैं बात करने वाला हूं किसके ऊपर, रेगुलर फॉल्सी और फॉल्स पोजीशन मेथड के बारे में। चलिए, तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर एलजेब्रिक इक्वेशन में सेकंड टॉपिक क्या होने वाला है, रेगुलर फॉल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। रेगुलर फॉल्सी मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, राइट। तो ये क्या है, सेकेंड मेथड है फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर एलजेब्रिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो इसमें अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा, इट इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में बात करता हूं। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है इसका वन। ठीक है, कैसा वन है, मतलब कि क्या, बाइसेक्शन मेथड के जितना ही है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस एंड बाइसेक्शन मेथड बोथ आर वन। पर अगर मैं बात करूं स्पीड की अगर बात करूं, तो मैं बोल सकता हूं इट इज फास्टर देन बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, ये फास्टर है, मतलब रूट्स तक जल्दी पहुंच जाता है बाइसेक्शन मेथड, बट स्लोअर देन न्यूटन राफ्सन मेथड। फास्टर तो है बाइसेक्शन मेथड से, पर न्यूटन राफ्सन मेथड से स्लोअर है, राइट। तो ये दो पॉइंट है, रेगुलर फॉल्सी और फॉल्स, मतलब दोनों चीजें सेम है रेगुलर फॉल्सी और फॉल्स पोजीशन मेथड के बारे में। नेक्स्ट आप क्या बात करेंगे, इटरेटिव मेथड या फॉर्मुला के बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले क्या होना चाहिए, इट मस्ट सेटिस्फाई व्हाट, इट सेटिस्फाई इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी मतलब कि क्या, ये एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी मस्ट बी लेस देन जीरो। ठीक है, ये चीज को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि क्या, इसका मतलब कि ये कन्वर्जेंस पॉसिबल, मतलब कि क्या, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और इसका मतलब क्या, रिलायबल मेथड है ये। Reliable method, right? अब मैं बात कर रहा हूं इसके iterative method के बारे में। अगर ये चीज satisfy हो रही है, intermediate property satisfy हो रही है, और function मेरे पास given है, मेरे पास क्या-क्या given होना चाहिए? Function given होना चाहिए, f of x given होना चाहिए, and interval given होना चाहिए, जिसके x कहां से कहां vary कर रहा है। तो ये हो गया a से b vary कर रहा है। तो मैं अब अगर iterative method के बारे में बात करूंगा, तो xn जो होगा, ठीक है, x1 लिखता हूं यहां पे, x1 जो होगा वो क्या होगा, a एफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये। ठीक है, तो ये होगा आपका इटरेटिव मेथड, करेक्ट है। तो यहां पे सारा चीज बात कर लिया, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में, स्पीड के बारे में, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है रेगुलर फॉल्सी और फॉल्स पोजीशन मेथड, कन्वर्जेंस पॉसिबल है मतलब कि रिलायबल मेथड है ये। अब अगर मेरे पास फंक्शन गिवन है, रेंज गिवन है, तो मैं इस फॉर्मूला से रूट्स तक पहुंच सकता हूं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूला पता है हमको, तो चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं मैं। रेगुलर फॉल्सी या फॉल्स पोजिशन मेथड का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फाइंड द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। तो मेरे को यहां पे देखो, ये इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो अगर देख रहा हूं मैं, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू टू है, एंड बी की वैल्यू क्या है, थ्री है। एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एफ ऑफ बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अब आप क्या करेंगे, आप मेरे साथ वर्चुअल कंप्यूटर, आप गेट कैलकुलेटर रखेंगे अपने पास, मतलब मोबाइल में वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। मैं इधर साइंटिफिक कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी रूट्स निकालता हूं, तो चलो साथ में सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर मैं एफ ऑफ ए निकाल रहा हूं, तो टू टू द पावर क्यूब हो रहा है, टू टू द पावर क्यूब माइनस फोर इंटू टू, ठीक है, माइनस नाइन। तो मेरे पास माइनस नाइन आ रहा है, आपके पास भी माइनस नाइन आ रहा है क्या,
एक बार आंसर को चेक करते हो जाना, ठीक है, ये हो गया माइनस नाइन। नेक्स्ट थिंग क्या, अब आपका होना चाहिए 3 to the power cube माइनस 4 into 3 माइनस नाइन, दैट इज 6, माइनस नाइन और माइनस 6। तो मेरे को क्या दिख रहा है यहां पे कि f ऑफ a इज लेस देन 0, f ऑफ b इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि क्या, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का रूट नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहां पे दोनों चीज हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, x1 इज इक्वल टू 2 into 6 माइनस 3 into -9 अपॉन 6 माइनस 9। ये तो इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा होगा आपके पास, 12 plus 8, 3 9 27 पॉजिटिव अपॉन 6 15, ये हो गया आपके पास 37 39 by 15, तो ये समथिंग 2.6 आ रहा है। ठीक है, तो एक बार चेक करता हूँ, 2.6 आ रहा है कि 39 by 15 इज हाउ मच, 2.6 राइट। तो ये मेरे पास फर्स्ट इटरेशन आ गया, मतलब कि x1 आ गया 2.6। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये जो x1 है, ये जो x1 है, ये कहां किसके बीच लाइक, मतलब इसके में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो f ऑफ 2.6 चेक करता हूं मैं, f ऑफ 2.6 चेक कर रहा हूं मैं, तो आइए चेक करते हैं साथ में। 2.6 टू द पावर क्यूब माइनस 4 into 2.6 माइनस 9, ठीक है, तो ये कितना हो गया -1.824। तो ये मेरे पास हो गया -1.824, मतलब कि क्या, दिस इज लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो अपना नेक्स्ट इंटरवल x2 जो होगा वो कहां से कहां लाई करेगा, वो लाई करेगा -2.6 से 3 के बीच लाई करेगा। तो अब मेरे को क्या क्या चेक करना है, अब मेरे को x2 चेक करना है, ये हो जाएगा a क्या है यहाँ पे 2.6 है, अब इंटू एफ ऑफ बी कितना है, एफ ऑफ बी है मेरे पास अभी भी सेम है, दैट इज 6 माइनस बी कितना है, बी है 3 एंड इंटू -1.824 अपॉन दिस कोस एफ ऑफ बी, मतलब कि क्या, एफ ऑफ बी है हमारे पास 6 माइनस -1.824। ये तो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो इसका कितना वैल्यू आ रहा है देखते हैं। तो ये हो गया 2.6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू -1.824। ठीक है, तो ये हो गया 2.693 राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया रेगुलर फॉल्सी मेथड का सेकंड अप्रोक्सीमेशन। हमको सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक बस बात करना था, तो ये हो गया, ठीक है, करेक्ट। x1 और x2 दोनों आ गए मेरे पास, बस ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सही रहेगा, फॉर्मूला हमको पता करना है और डायरेक्टली फॉर्मूला याद करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और ऐसे अप्रोच से सॉल्व करना है। थर्ड मेथड की तरफ जाता हूं मैं, रेगुलर फॉल्सी के बारे में, थर्ड मेथड क्या होने वाला है, सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड विल बी सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड से आज तक हमको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये रिलायबल मेथड नहीं है। रिलायबल मेथड नहीं है मतलब कि क्या, इट डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब कि क्या, एफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो मतलब कि क्या, नो गारंटी ऑफ कन्वर्जेंस,
गारंटी नहीं है कन्वर्जेंस की, अब गारंटी नहीं है कन्वर्जेंस की मतलब कि सॉल्यूशन की गारंटी नहीं है, इसका मतलब क्या, नॉट रिलायबल मेथड, ठीक है। तो ये बात हो गया। अब अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूला की, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ना आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड के जैसे ही दिखता है, रेगुलर फॉल्सी मेथड के जैसे ही दिखेगा, जो कि रहेगा ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ऑफ ए, राइट। तो अब यहां पे डिफरेंस बस ये आएगा कि रेगुलर फॉल्सी मेथड में हम क्या करते थे, इंटरवल को मैनिपुलेट करते थे, मतलब कि क्या, हम चेक करते थे कि f ऑफ x1 क्या होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो हम क्या करते थे, b को चेंज करते थे, अगर नेगेटिव होता था तो a को चेंज करते थे। पर यहां पे हम ऐसा कुछ चेक नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्टली किसी एक को चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कन्वर्जेंस की गारंटी होती नहीं है, इसलिए ये मेथड हमारा यूजफुल होता नहीं है और इसलिए यहां से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं, जो कि हमारा न्यूटन राफसन मेथड। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं न्यूटन राफसन मेथड के बारे में, तो फोर्थ मेथड इज न्यूटन राफसन मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखता हूं न्यूटन राफसन मेथड के बारे में, तो मैं बोल सकता हूं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट मेथड और टेंजेंट मेथड। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट मेथड और टेंजेंट मेथड। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो बोल सकता हूं मैं इट इज फास्टर देन बोथ रेगुलर फॉल्सी एंड बाइसेक्शन मेथड। तो सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इट इज फास्टर देन बोथ रेगुलर फॉल्सी एंड बाइसेक्शन मेथड। थर्ड पॉइंट के बारे में बोलूं तो कि वी कैन नॉट फाइंड कॉम्प्लेक्स रूट्स यूजिंग रेगुलर फॉल्सी एंड बाइसेक्शन मेथड, बट वी कैन फाइंड कॉम्प्लेक्स रूट्स यूजिंग रेगुलर न्यूटन राफसन मेथड, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, सेकंड पॉइंट इज इट इज फास्टर देन रेगुलर फॉल्सी एंड बाइसेक्शन मेथड, एंड थर्ड पॉइंट इज वी कैन फाइंड कॉम्प्लेक्स रूट्स यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड व्हाइल वी कैन नॉट फाइंड कॉम्प्लेक्स रूट्स यूजिंग न्यूटन रेगुलर फॉल्सी एंड बाइसेक्शन मेथड। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूं तो इट इज हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव highly sensitive with the initial guess, initial ठीक है, मतलब कि इस न्यूटन राफसन मेथड में इनिशियल गेस जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो इनिशियल गेस होगा वो आपका क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, ठीक है। इनिशियल गेस के बिना हम न्यूटन राफसन मेथड को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, और ये जो इनिशियल गेस होगा ना वो सेंसिटिव, उसके लिए बहुत सेंसिटिव होगा, और ये नियरली क्लोज टू नियर टू रूट लाई करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो आपका एग्जैक्ट रूट है 2.56, तो आपका इनिशियल गेस क्वेश्चन में गिवन होगा 2 या 2.2 या 2.3 गिवन होगा, ताकि आप धीरे जल्दी ही जल्द से जल्द आप क्या अपने 2.56 रूट तक पहुंच पाए। तो ये हाईली सेंसिटिव है अपने इनिशियल गैस के, अगर मान लो इसमें इनिशियल गैस सही नहीं ले हम, तो हम कन्वर्जेंस की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो ये है चार पॉइंट्स न्यूटन राफसन मेथड के बारे में। अब डायरेक्टली इसका फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करता हूं मैं। तो इसका है फॉर्मूला, इटरेटिव फॉर्मूला है xn माइनस एफ ऑफ एक्स एफ डैश xn।
ठीक है, तो ये है। राइट, ये है फर्स्ट केस। अगर मैं एन की वैल्यू को जीरो करता हूं, फॉर एन इक्वल टू जीरो, व्हाट आई विल गेट, आई विल गेट एक्स वन इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स जीरो, ठीक है। और इनिशियल गैस को मैं एक्स जीरो बोल देता हूं, मतलब अगर आपके पास इनिशियल गैस गिवन है एक्स जीरो, तो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट, राइट जी। तो ये आपके पास आ गया रूट, राइट। तो यहां पे इटरेटिव फॉर्मूला भी आ गया आपके पास दोनों केसेस का। अब ऐसे करके हम जैसे ही x1 आ जाएगा, फिर उसके बाद x2 पे जाएंगे, x3 पे जाएंगे। कैसे जाएंगे x2 x3 पे, क्योंकि हमारे पास fx गिवन रहेगा, fx इज इक्वल टू जीरो गिवन रहेगा, राइट। इनिशियल गैस x0 गिवन रहेगा, और x किस रेंज के बीच लाई कर रहा है वो भी गिवन रहेगा। और फिर जब हम चेक करेंगे क्या इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तब हम क्या करेंगे, हमको पता चलेगा जैसे सेटिस्फाई हो रहा है कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी जैसे सेटिस्फाई हो रहा है, तो देन एटलीस्ट वन रूट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो मस्ट लाई बिटवीन द इंटरवल ए टू बी, ठीक है। जैसे ही वो पता चलेगा हमें, तो हम इटरेटिव फॉर्मूला लगाने लग जाएंगे और रूट्स की तरफ अप्रोच करने लग जाएंगे। तो ये बात हो गई। अब इसके अगर मैं एनालिसिस करूं, इस फॉर्मूला का एनालिसिस करूं, तो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं कि एफ डैश एक्स एन, राइट, एफ डैश एक्स एन। अब अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं यहां पे बोलता हूं, सपोज की पॉइंट की बात कर रहा हूं यहां पे ना, की पॉइंट फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, इफ एफ डैश एक्स एन इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि देखो कि अगर यहां पे डिनोमिनेटर जो है वो अगर हमारा जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो देखो अगर ये जीरो हो रहा है, मतलब कि क्या f डैश एक्स एन किसके इक्वल है, ये है भाई हमारा dy by dx के इक्वल है, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन मतलब कि क्या, dy by dx, और ये इसके किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे स्लोप के, स्लोप मतलब कि क्या m, m और किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, tan थीटा के, राइट, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट मैंने आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के स्टार्टिंग में भी बताया था। तो अगर मेरे पास tan थीटा ये इक्वल टू किसके आ रहा है, जीरो, राइट, ये पूरा चीज आ रहा है इक्वल टू जीरो के। अब होगा क्या कि अगर ये जीरो आ रहा है तो मतलब कि क्या, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो मीन्स वॉट, मीन्स दिस कि अगर फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स दैट कि जो कर्व है उसका अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, उस कर्व का अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है, मतलब कि क्या थीटा इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू जीरो मतलब कि क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। तो इस केस में अगर ये ऐसा हुआ तो हमारा जो केस होगा ना वो क्या हो जाएगा, केस फेल हो जाएगा। केस फेल होना मतलब कि क्या कि भाई अगर ये जीरो हो गया तो इनफिनाइट हो गया, और उसके बाद ये पूरा केस फेल हो गया, मतलब कि क्या हम रूट को लोकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब कि फर्स्ट की पॉइंट के बारे में बात किया कि एफ डैश एक्स एन मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो गया इसका मतलब ये कि आपका जो स्लोप है ये टेन थीटा है वो किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, मतलब कि ये बता रहा है हमें कि कर्व का जो टेंजेंट है उस पॉइंट पे कर्व का टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, पॉइंट कौन सा, एक्सएन पॉइंट पे, ठीक है, उस एक्सएन पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और उस एक्सएन पे ही हमारा केस फेल होगा, उसके आगे हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही इनफाइनाइट होगा तो रूट हमारा नहीं मिल पाएगा, राइट। तो ये चीज हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात। अगर मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूं यहां पे,
ठीक है, सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करता हूं कि अगर मान लो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, हम रूट्स की तरफ कब पहुंचेंगे, रूट्स की तरफ कब पहुंचेंगे, जब हम इटरेटिव प्रोसेस को बढ़ाते जाएं और हमारा जो xn और xn प्लस वन की वैल्यू के बीच का डिफरेंस जो है वो कम होते जाए, मतलब कि जैसे ही हम करीब पहुंचेंगे रूट के, आपको बाइसेक्शन मेथड में मैंने बताया कि जैसे ही रूट के करीब पहुंचेंगे तो बार बार अगर आप इटरेशन लोगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, तो वो डिफरेंस कम होता जाएगा, एरर कम होता जाएगा और इवेंचुअली ये दोनों नियरली इक्वल टू ईच अदर हो जाएंगे। तो जैसे ही नियरली इक्वल टू ईच अदर होंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि बार बार यही आंसर आ रहा है, मतलब कि यही आंसर है। तो इसका मतलब कि क्या, इफ xn प्लस वन इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू अल्फा, कोई पॉइंट आ गया, देन अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब ये कब पॉसिबल है, ये चीज कब पॉसिबल है, जब ये जो वैल्यू है दो केसेस पे, राइट, कि अगर एफ ऑफ एक्स एन आ जाए जीरो, अगर ये जीरो के इक्वल हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग कब पॉसिबल है, कि एफ डैश एक्स एन जो है, जो डिफरेंशिएशन है, वो इक्वल टू इनफिनाइट आ जाए। अगर ये इक्वल टू इनफिनाइट आता है, अगर ये इनफिनाइट आता है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एम या फिर टेन थीटा या फिर स्लोप किसके इक्वल आ गया, इनफिनाइट के, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। मतलब कि अगर ऐसे पॉइंट पे, कर्व के ऐसे पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, उस पॉइंट पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी, उस पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी हमें किसकी, रूट की एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। तो अगर मैं यहां पे ओवरऑल कंसेप्ट को लिखूं, यहां पे देखो क्या लिखता हूं, प्लॉट भी कर दूं क्या, हाँ चलो प्लॉट भी कर देता हूं, कि अगर यहां पे मैं कर्व को प्लॉट करता हूं, देखो ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एक्स, तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज एफ ऑफ एक्स एन, सपोज ये एक्स एन हो गया, एफ डैश एक्स, सपोज कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं मैं इनको, सी राइट, रैंडम पॉइंट्स। तो ये से कर्व के मैं बस ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जैसे कि यहां पे हमारा जो स्लोप है, ये जो स्लोप है वो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या होगा, हमारा जो इटरेशन प्रोसेस होगा, वैसे वैसे हमारा इटरेशन जो होगा वो कम होते जाएगा, इटरेशन कम होते जाएगा, क्यों, क्योंकि हम सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करने लग जाएंगे, स्लोप बढ़ते जाएगा, स्लोप बढ़ रहा है, इटरेशन कम होते जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हमारा थीटा जो होगा वो इक्वल टू 90 डिग्रीज होगा और उस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा,
एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा या फिर एग्जैक्ट रूट मिल जाएगा। और अगर मान लो स्लोप हमारा डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, तो हम धीरे धीरे क्या पहुंचते जाएंगे, थीटा इक्वल टू जीरो तक पहुंचते जाएंगे, और उस पॉइंट पे हमारा केस फेल हो जाएगा, केस फेल हो जाएगा, राइट। तो यहां पे मैंने सबके बारे में बात कर लिया कि अगर फंक्शन गिवन है, इनिशियल गैस गिवन है, इंटरवल गिवन है, और उसके बाद आपका इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, तो दो केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। कि एक केस क्या कि अगर एफ डैश एक्सएन जीरो हो जाता है तो आपका क्या होगा, केस फेल हो जाएगा। अगर यहां पे मान लो कि अगर एक्सएन एग्जैक्ट वैल्यू के क्या होना चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम होने चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट थिंग हमारा क्या होना चाहिए कि ये कब पॉसिबल होगा, इनफिनाइट होने पे। तो यहां पे मैंने बात किया कि इनफिनाइट कब होगा, जब आपका ये चीज इनफिनाइट कब होगा, जब आपका ये जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। तो ये सब मैंने बात किया न्यूटन रैफसन का। अब मैं क्या करता हूं, कुछ रिकर्सिव मेथड के बारे में बात करता हूं कि कैसे हम उस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो चलिए उस मेथड पे, राइट। तो मैं अब रिकर्सिव फॉर्मूला के बारे में बात कर रहा हूं, कि दो क्वेश्चन लेता हूं रिकर्सिव फॉर्मूला के बारे में, बेसिक जनरल कैसे अप्लाई करेंगे हम। और यहां पे ये एफ एक्स एक्स ये होगा पॉइंट, ठीक है, ये एफ एक्स एन, इसको मैं लिख देता हूं फिर से, राइट। तो ऐसे करके हम फंक्शन की वैल्यू ऐसे पॉइंट पे जहां पे वो इनफिनिट के इक्वल आ जाएगी, बस 90 डिग्रीज के इक्वल आ जाएगी, राइट। तो खैर ये तो ऐसा आपको समझाने के लिए था बस। तो मैं चलता हूं इटरेटिव रिकर्सिव मेथड की तरफ। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर मेरे पास ऐसा फंक्शंस गिवन हो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा न्यूटन रैफसन मेथड से हेल्प लेके, राइट। तो देखो 1 बाय n, n क्या है, n कोई भी वैल्यू ले सकता है। सपोज गेट में कैसा क्वेश्चन आया था, एक गेट का क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां पे। गेट में क्वेश्चन आया था कि xn इज इक्वल टू 1 बाय गेट में क्वेश्चन आया था xn इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, तो ये सेकंड केस था आपका, ये सेकंड केस, राइट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए मैं क्या किया, इन जनरल अगर मैं इसको कोई भी वैल्यू को n से रिप्लेस कर दूं तब ये कांस्टेंट को मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं उसके बारे में डिस्कस करता हूं अभी मैं, ठीक है। तो इसके बारे में आंसर बाद में हम डिस्कस करते हैं, अभी मैं चल रहा हूं फर्स्ट केस की तरफ। तो फर्स्ट केस में मैं वो देख रहा हूं कि अगर मेरे पास क्या गिवन है, xn इज इक्वल टू 1 बाय n के इक्वल है, xn इज इक्वल टू 1 बाय n, देन व्हाट, हाउ आई विल आई सॉल्व यूजिंग न्यूटन रैफसन मेथड। तो न्यूटन रैफसन मेथड के हेल्प से मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको। तो क्या मैं फंक्शन की वैल्यू को, हमको क्या चाहिए, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 चाहिए। दिस इंप्लाइज x माइनस 1 बाय n इक्वल टू 0, क्या ये होगा। तो ये अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आप ये क्या होगा, ये होगा रॉन्ग। वाई रॉन्ग, बिकॉज ये जो केस है ना ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। और आपको ये बात नहीं भूलना है कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन के बारे में बात हो रहा है। तो ये केस अगर जब लीनियर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपका न्यूटन रैफसन मेथड जो होगा वो गलत रिजल्ट देगा, राइट। तो रॉन्ग बिकॉज इट इज लीनियर,
तो मैंने जो एफ ऑफ एक्स लिया है ना वो गलत है। इसका मतलब कि क्या कि आपका करेक्ट एफ ऑफ एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा अगर मैं एस को ऐसे लिखूं एन इज इक्वल टू वन बाय एक्स एन, दिस इंप्लाइज वन बाय एक्स एन माइनस एन इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये मेरा क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, राइट। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स है तो क्या मैं एफ डैश एक्स निकाल सकता हूं, एफ डैश एक्स किसके इक्वल होने वाला है, एफ डैश एक्स इक्वल टू होने वाला है वन बाय एक्स एन स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस साइन होगा क्या, हाँ माइनस साइन, राइट। तो ये आ गया मेरे पास वन बाय एक्स एन स्क्वायर। अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ न्यूटन रैफसन मेथड से कि इनिशियल गैस लेता हूँ, ठीक है, इनिशियल गैस क्या ले रहा हूँ मैं, चलो ये हो गया एक्स एन, एक्स एन प्लस वन दैट इज एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स, ये। तो अगर मैं xn लिख रहा हूँ तो xn किसके इक्वल है, लेट इट बी xn ओनली, क्योंकि मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो इन जनरल बात कर रहा हूँ तो मैं xn के फॉर्म में ही रखने देता हूँ। तो ये क्या होगा, f of xn किसके इक्वल है, f of xn इक्वल टू है मेरे 1 बाय xn माइनस n अपॉन f डैश किसके इक्वल है, माइनस 1 बाय xn स्क्वायर, राइट। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये हो गया आपका ऊपर अगर जाता ही है तो एक्स एन प्लस एक्स एन, एक्स एन माइनस एन एक्स एन स्क्वायर, करेक्ट है, हाँ। तो अभी किसके इक्वल आ रहा है, एक्स एन प्लस एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एन प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स एन, एक्स एन कॉमन लेता हूँ, एक्स एन इंटू टू एक्स एन प्लस सॉरी माइनस एन एक्स एन, ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। ये ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन है एक्स एन इज इक्वल टू वन बाय एन, तो पहला मेरा क्या टास्क होगा कि इसको नॉन लीनियर फॉर्म में फंक्शन के में कन्वर्ट करना, उसके बाद में एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एफ डैश एक्स एन के बारे में डिस्कस किया, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट किया। अब मैं एन की चाहे कोई भी वैल्यू लिखूं, एन की चाहे कोई भी वैल्यू लिखूं, उसके बाद मेरा रिकर्सिव जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा। अब मेरे को क्या करना है, एन की वैल्यू को जीरो पुट करूंगा, एक स्मॉल एन की वैल्यू को जीरो पुट करूंगा, तो मेरे पास एक्स जीरो आ जाएगा, इनिशियल गैस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बाद आप सॉल्व करते जाओगे, और यहां पे एन क्या रहेगा, वो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, वो कोई कांस्टेंट का फॉर्म होगा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, ये हो गया आपका फर्स्ट, और मैं सेकंड के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाता हूं, अच्छा अच्छा यहां पे देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्स एन प्लस एक्स एन टू एक्स एन हो गया, पर यहाँ पे मैंने जब एक्स एन कॉमन लिया तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा टू माइनस एन एक्स एन, राइट। तो ऐसा सिली मिस्टेक होते रहता है, ऐसे ही सिली मिस्टेक एग्जाम में भी होता है, इसलिए आपको सावधान रहना है, ठीक है, एकदम केयरफुल रहना है ऐसे मैथमेटिकल एरर करते समय। तो यहाँ पे मैंने एक्स एन कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा टू माइनस एन एक्स एन, राइट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया, रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया आपका फर्स्ट मेथड का। अब ऐसे ही मैं एक इन जनरल एक फॉर्मूला निकालता हूँ आपका सेकेंड मेथड का, तो मेरे को क्या दिख रहा है यहां पे, एक्स एन रूट एन, राइट, ये आ गया मेरे पास सेकेंड मेथड। तो अब मैं बात कर रहा हूं इसका एक्स एन स्क्वायर माइनस एन, ये मेरा क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स एन इज इक्वल टू 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 एक्स एन, राइट, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सॉल्व करता हूं, तो अगर मैं पुट कर रहा हूं वैल्यू एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन दैट इज एक्स एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू एक्स एन, तो ये किसके इक्वल हो रहा है मेरे, देखो दिस गोज टू एक्स एन स्क्वायर माइनस एक्स एन स्क्वायर
minus n upon 2xn is equal to how much? Xn square minus n upon 2xn. This implies xn plus 1 is equal to 1 by 2 को कॉमन लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा xn माइनस n xn. माइनस होगा कि प्लस? माइनस ए प्लस. देखो ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूरा कॉमन लेता हूं तो एक साथ माइनस हो जाएगा. ठीक है, xn स्क्वायर माइनस xn, राइट. तो ये मेरे पास आ रहा है सेकंड रिजल्ट. सेकेंड रिजल्ट यहाँ पे. तो अगर मैं इसी को, इसी रिजल्ट में अगर ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करूं, गेट में आया हुआ ये क्वेश्चन को सॉल्व करूं कि इसमें अगर न्यूटन ऑफ्सन मेथड का रिकर्सिव फॉर्मूला मेरे को बताना है तो क्या होगा रिकर्सिव फॉर्मूला? एक्स एन एन प्लस वन विल बी इक्वल टू वन बाय टू एक्स एन प्लस 117 बाय हाउ मच एक्स एन, राइट. ये हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. तो अगर आप या तो आप इसी मेथड से चले जाओ, ठीक है. तो मैं इन जनरल बता दिया कि अगर आपके पास रूट रहा या फिर 1 बाय एन रहा तो आप कैसे अप्रोच करोगे. अब मैं क्या करता हूं, अब मैं डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूं और डायरेक्टली इसी मेथड से, जैसे मैं फॉर्मूला अप्लाई किया एफ ऑफ एक्स एन निकाला, फिर एफ डैश एक्स एन निकाला, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके सॉल्व किया, वैसे ही मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करता हूं ताकि आपको और अच्छा आइडिया हो जाए न्यूटन ऑफ्सन मेथड का. तो चलिए न्यूमेरिकल्स की ओर. तो ये मेरे पास सामने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है न्यूटन ऑफ्सन मेथड के, राइट. तो देखो जो मैंने आपको रिकर्सिव मेथड बताया था उसका भी एक और जनरल मेथड बता रहा हूं आपको. वैसे इसको याद करने के लिए मैं सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि जनरली आपको याद करने से क्या होता है कि साइक्लोन क्रिएट होता है एग्जाम प्रेशर में कि आपको याद नहीं आता फॉर्मूला. ठीक है, तो फॉर्मूला कम से कम याद कीजिए, मैक्सिमम लॉजिक याद कीजिए और खुद से जल्दी से डिराइव कर लीजिए. तो जैसे कि मैंने आपको रिकर्सिव फॉर्मूला दो मेथड्स का निकाल के दिखाया, एक 1 बाय एन का और एक अंडर रूट एन का. पर अगर आपको फिर भी अगर कॉपी में नोट करना है तो ये सब लिख सकते हो आप कि मान लो अगर अंडर रूट पी है, मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बोला अपने केस में कि हमारे पास क्या था, xn इज इक्वल टू रूट टू, सॉरी अंडर रूट एन था. ठीक, xn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एन था. तो यहां पे पी की वैल्यू क्या है, 2 है. यहाँ पे p की वैल्यू 2 है. तो अगर मैं 1 यहाँ पे इस फॉर्मूला में रख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 1 by p is equal to 1 by 2, right? p minus 1 that is 1 xn xn plus n x to the power p minus 1 that is 2 minus 1 is equal to xn. तो देखो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है. तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट है वैसे अगर क्यूब रूट रहा, फिर वैसे रूट का पावर 4 रहा, 5 रहा, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला है. और अगर 1 by root 2 है, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट n है, तो उस केस में ये फॉर्मूला है. क्यूब रूट रहा तो ये फॉर्मूला आप सभी के लिए इन जनरल इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, राइट. तो इसको अगर आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो या तो फिर आप डिराइव भी खुद से कर सकते हो, राइट. तो एक बार कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको कभी भी अगर पलटाते हुए आपको एक बार याद रहे फॉर्मूला. ठीक है, तो ये मेरे को बस एक बार मेंशन करना जरूरी लगा. वैसे तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा याद करने के लिए, पर आप जरूर कॉपी में जरूर लिखेंगे. ठीक है, तो ये बात हो गया. अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. तो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करता हूं यहां पे. तो देखो एफ एक्स फंक्शन गिवन है मेरे पास फंक्शन गिवन है, इनिशियल गैस गिवन है एक्स नॉट, इनिशियल गैस गिवन है एक्स नॉट. तो राइट, एक्स फंक्शन एक्स गिवन, एफ ऑफ एक्स गिवन है, इनिशियल गैस गिवन है, एक्स वन फाइंड आउट करना है, मतलब कि सिर्फ एक इटरेशन मेथड निकालना है मेरे को. तो अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0. ठीक है, एक्स नॉट कितना गिवन है, एक्स नॉट गिवन है मुझे 2. एक्स नॉट अगर गिवन है तो मैं एफ ऑफ 2 निकाल के देख लेता हूं. यहां पे एफ ऑफ 2 कितना है, 8 माइनस 4 प्लस 8 माइनस 4 विच इज हाउ मच इक्वल टू 8. ठीक है, ये इक्वल टू 8 हो गया. अगर एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूं तो वो कितना हो रहा है मेरा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, राइट, करेक्ट है.
अब हमें क्या करने वाला हूं, टू से निकाल देता हूं उसको, एफ डैश टू इज हाउ मच, थ्री इंटू फोर माइनस टू प्लस फोर, दैट इज 12 माइनस टू 10 प्लस फोर, दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, कैलकुलेशन अगर एरर होगा तो आप खुद से रेक्टिफाई करेंगे। अगर मैं एन आर मेथड आप निकाल रहा हूँ एक्स एन प्लस वन, ठीक है, एक्स एन प्लस वन क्या डायरेक्टली एन इज इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, तो एक्स वन ही निकलेगा हमको, और हमको एक्स वन ही निकालना है, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो कितना हो रहा है, एक्स नॉट की वैल्यू टू है, तो टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज हाउ मच, देखिए एट अपॉन 14, दिस गोज टू फोर सा सेवन सा, कितना है 14 10 बाय 7, ठीक है, तो यार थ्री फोर सा 12। एक बार चेक करता हूँ इस रिजल्ट को, एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स नॉट एक्स नॉट, ठीक है, इनिशियल केस अपने पास एक्स नॉट है 2, और क्या गिवन है, हाँ एक्स नॉट, 2 टू जो 4, 4 टू जो 8 माइनस 4, दैट इज हाउ मच 4 प्लस 8 12 माइनस 4 8, तो एफ टू तो सही आ रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये यहाँ पे गलती हो रहा है, देखिए इसलिए क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, 2x प्लस 4 2x plus 4, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 2 प्लस 4, हाउ मच इट इज माइनस 4 प्लस 4 दैट इज 12, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया 12 हो गया, राइट 2 3, तो अब मेरे पास क्या आ गया 6 माइनस 2 दैट इज 4 बाय 3, ठीक है, तो मेरा x1 इज इक्वल टू 4 बाय 3 रिजल्ट आ गया, करेक्ट है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे ही आप कैलकुलेशन में एरर्स को थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको खुद भी प्रैक्टिस हो जाएगा। मेन क्या है मुद्दा, आपका कॉन्सेप्ट याद रखने का और फॉर्मूला याद रखने का, तो ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, इसमें हमको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, वैसे इजी से फॉर्मूला है, इसको याद करने में दिक्कत भी नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन होता है, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में जा रहा हूँ मैं, तो सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स गिवन है, राइट तो मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, राइट एक्स नॉट कितना गिवन है 1, ठीक है, और अगर मैं निकालूं एफ ऑफ 1 निकाल लेता हूं डायरेक्टली, तो एफ ऑफ 1 कितना होगा e टू द पावर 1 माइनस 1, तो वर्चुअल कैलकुलेटर में मेरे साथ निकालिए कितना होगा e टू द पावर 1 माइनस 1 इज हाउ मच 1.7182 आ रहा है, ठीक है मेरे पास 1.7182, ठीक है, तो अब मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ, एफ डैश एक्स एन कितना हो रहा है e टू द पावर x, और ये इक्वल टू दिस इंप्लाइज एफ ऑफ वन एफ डैश वन कितना होगा, ये होगा मेरा e, तो इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e की तो वैल्यू वैसे याद होना चाहिए हमको 2.718, ठीक है, तो ये हो गया 2.7182, राइट करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं यहीं पे, अगर मैं एफ मैं निकाल लेता हूं आपका एक्स एन, हमसे पूछा क्या क्या है, फाइंड एब्सोल्यूट एरर ऑब्जर्व्ड एट सेकेंड इटरेशन, तो ये क्या होगा हमारा फर्स्ट इटरेशन होगा, एक्स वन किसके इक्वल है 1 माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज 1.7182 अपॉन 2.7182, हाउ मच इट इज निकाल रहा हूँ मैं एक बार, ये तो 1 माइनस 1.7182 2.7182 इट इज 0.3678 आ रहा है, ठीक, तो 0.3678 आ रहा है, करेक्ट है, चेक करते जाएंगे आप सारे वैल्यूज को, हो सकता है गलत हो। x2 अगर निकालूंगा मैं तो x2 से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ x2 निकालना पड़ेगा, f ऑफ x1,
एफ ऑफ एक्स वन कितना होगा यहाँ पे, अगेन ई टू द पावर 3.682, ई टू द पावर 0.3678 1.444, राइट, ये हो गया आपका 1.444। और अगर एफ ऑफ एक्स वन ये अगर निकाल रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है, तो इसको अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा, सॉरी ये आपका 0.1 आएगा, ये होगा 0.444। ये होगा 1.44। तो अगर मैं यहां पे x2 निकाल रहा हूं तो x2 क्या होगा, x2 होगा x1 माइनस, दैट इज x1 इज हाउ मच 0.3678 माइनस 0.444 अपॉन 1.444 विच इज हाउ मच। तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं 0.3678 माइनस 0.444 अपॉन 1.444 इज हाउ मच 0.06 आ रहा है मेरे तो, ठीक है 0.06 लिखता हूँ, ठीक है 0.0603 आ रहा था तो 1 कर दिया उसको, करेक्ट है, या फिर 0.00 ही रहने दो, ये तो x2 मेरा इतना आ रहा है। अगर मैं एफ ऑफ x2 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा एफ एक्स टू कितने इक्वल टू आएगा हमारा, एफ एक्स टू विल कम आउट एज, मैं अगर चेक करूं वैल्यू तो ई टू द पावर 0.06 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.618 आ रहा है, ठीक है तो 0.618। और एफ एक्स वन कितना आ रहा है मेरे पास, एफ एक्स वन आ रहा था मेरे पास 0.44, राइट तो ये है दोनों रिजल्ट्स। अब मेरे को क्या करना है, अब मैं क्या करता हूं देखो, एरर के बारे में बताता हूं आपको, मेरे पास सारे रिजल्ट आ चुके हैं, ये ठीक है, तो देखो फाइंड एब्सोल्यूट एरर ऑब्जर्व्ड एट सेकेंड इटरेशन, एब्सोल्यूट एरर पूछा जा रहा है हमसे, एब्सोल्यूट एरर के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मैं यहां पे जो रिजल्ट लिखता हूं एफ एक्स टू मेरा कितना आया, एफ एक्स टू इज इक्वल टू 0. मतलब कि ई टू द पावर 0.06 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.6018, ठीक है 618 ये रिजल्ट आ रहा है, राइट तो मेरे पास एफ एक्स टू की वैल्यू आ गई है। अब मुझे बात करना है एरर का, राइट तो एरर के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, एरर इज व्हाट, एरर इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मतलब कि क्या, जो भी हम सॉल्यूशन न्यूमेरिकल मेथड से करते हैं वो हमें क्या देता है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ही देता है, एब्सोल्यूट एरर, ये होता है आपका एग्जैक्ट वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट का, सॉरी अप्रोक्सीमेट का मॉड वैल्यू, तो मेरे को बात करना है रिलेटिव एरर का, तो वो हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट बाय एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। और अगर मेरे को एरर परसेंटेज के बारे में बात करना है तो हो जाएगा रिलेटिव एरर इनटू 100, ठीक है। तो यहां पे मैंने सारे वैरायटीज ऑफ एरर कवर कर दिए, इसलिए कवर किया क्योंकि अगर आपसे डिफरेंट वे में पूछा जाए कि एरर क्या है या एब्सोल्यूट एरर क्या है
या फिर रिलेटिव एरर क्या है या एरर परसेंटेज क्या है, तो आपको पता रहे कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो देखो ये हमारा सेकेंड इटरेशन से x2 की वैल्यू आई थी समथिंग 0.06, f ऑफ x2 की वैल्यू आ रही 0.618। अब मुझसे पूछा जा रहा है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मींस एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और उसका मॉड मतलब कि प्लस माइनस तो आएगा ही, ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, एरर एब्सोल्यूट एरर। तो अगर ऐसा है तो e टू द पावर x, हमसे एब्सोल्यूट एग्जैक्ट वैल्यू की अगर बात की जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा, e टू द पावर x माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इनिशियल गैस में इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, राइट right? तो ये अगर मेरा होगा 1.718 आई गैस, ठीक है 1.718 आएगा। और अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.0618 आ रहा है, तो अगर मैं चेक कर रहा हूं एब्सोल्यूट एरर, तो ये कितना आएगा 1.718 माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज 0.0618 इज इक्वल टू दिस मच, ठीक। अगर मैं चेक करता हूं इसको e टू द पावर 1, ठीक है, आंसर माइनस 0.0618, दिस इज हाउ मच 1.656 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। अब देखो मैंने आपको सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस के सारे मेथड्स कवर करवा दिए हैं। हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया, बाइसेक्शन मेथड का बहुत डिटेल में गया, और फिर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ये सब के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया हमने। फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारे फॉर्मूलास हमने नोट किए। न्यूमेरिकल मेथड्स में कुछ नहीं बल्कि फॉर्मूला बस याद करना है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। फिर मैंने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन भी डील करवा दिया आपको। तो यहां पे आपका न्यूमेरिकल मेथड्स का फर्स्ट टॉपिक कवर होता है, जो कि क्या था, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाने वाला हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। एंड टू बूस्ट योर गेट प्रिपरेशन, एनरोल इन अवर टेस्ट सीरीज बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक डिस्प्लेड ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द फर्स्ट कमेंट। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक डिस्प्लेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ गुड डे, सी या।